हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। भुट्टे से तो बहुत सारे रेसिपी बनते हैं। आज मेरे किचन में बनेंगे रोस्टेड कॉर्न रेसिपी, वो भी मसाले वाले। तो फिर चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। आज के रेसिपी के लिए हम यहाँ पे दो भुट्टे इस्तेमाल करेंगे। आपकी मर्जी, आप जितने भुट्टे ले सकते हैं। तो इसके लिए हम एक मसाला भी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, एक टीस्पून क्यूमिन पाउडर, ये भी एक टीस्पून, रेड चिली पाउडर, ये भी एक टीस्पून, चाट मसाला, ये भी एक टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट इसे हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसे एक साइड रख देते हैं। फिर से हम एक बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे हम मक्खन, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुके हैं, मसाला और मक्खन तैयार है। अब हम इस भुट्टे में पहले मसाले को लगाएंगे। इस तरह से मक्खन को हम चारों ओर से स्प्रेड कर लेंगे। फिर हम एक लेमन लेंगे, इसे इस तरह से कोट करके हम इसमें लगाएंगे। मसाले लग चुके हैं, अब हम इसे चूल्हे की ओर जाकर रोस्ट करते हैं। पहले हम गैस को ऑन करते हैं, इसे मीडियम फ्लेम में रखेंगे। इस तरह से एक जाली लेंगे, फिर हम इसमें मक्का को रखकर इसे रोस्ट करेंगे। इसे इसी तरह से चारों ओर से हम इसे रोस्ट करेंगे। ये अब रोस्ट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें थोड़े मसाले लगाएंगे। सबसे पहले हम मक्खन लगा लेंगे, फिर हम फिर से अगर पर मसाले को हम लगा लेंगे। अब इसमें फिर से हम एक बार मसाले को लगाएंगे। चटपटा सा भुट्टा तैयार है। आज की रोस्टेड कॉर्न रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग कमेंट में बताएं। हमेशा की तरह खुश रहिए।